नमस्कार। हिंदी भाषा में आज का विषय है तत्सम शब्द। तत्सम का अर्थ है उसके समान, उसके अर्थात संस्कृत के ही समान हिंदी में प्रचलित शब्द। इन्हें चार भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर एक, संस्कृत के वे शब्द जो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश कालों में प्रयुक्त होते हुए हिंदी के शब्द भंडार तक पहुंचे हैं, उन्हें क्रमागत माना जाता है। जैसे अघ, अचला, काल, कुसुम, जंतु, दंड आदि। नंबर दो, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी के साहित्यकारों की रचनाओं में प्रयुक्त होने लगे, उन्हें काव्यागत कहा जाता है। जैसे कर्म, कुशल, पुस्तक, मत्स्य, मध्य, मेघ आदि। नंबर तीन, संस्कृत के वे शब्द जो अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी में आए, उन्हें इतरागत श्रेणी में रखा जाता है। जैसे बंगला से अभ्यर्थना, उपन्यास, उर्मिल, गल्प, धन्यवाद, और मराठी से प्रगति, वांग्मय आदि। नंबर चार, संस्कृत के व्याकरणिक नियमों के आधार पर आवश्यकता अनुसार गढ़े गए शब्दों को रचनागत तत्सम की संज्ञा दी जाती है। जैसे चलचित्र, दूरदर्शन, नगरपालिका, प्रवक्ता, वायुयान, समाचार पत्र आदि। छोटी सी बात है, काम की लगे तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।